हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन देख रहे थे हस्तकला। हस्तकला में चल रहा था अपने कपड़ों पे अपन देख रहे थे अब जो चित्रकारी जो होती है, ठीक है। डिजाइनिंग अपन ने पहले देख लिया, अब चित्रकारी देखते हैं। चित्रकारी के अंदर फेमस आएंगे दो, एक पिछवैया एक आएगी फड़, ठीक है। उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, पिछवैया एंड फड़। तो सब कपड़ों पर चित्रकारी राजस्थान में कपड़ों पर विभिन्न प्रकार के विषयों तथा आख्यानों को चित्रित करने की विशिष्ट परंपरा है। इसकी मुख्य कलाएं निम्नलिखित है ना, कपड़े पर होती है चित्रकारी दोनों, ठीक है। सबसे पहले तो है पिछवैया और दूसरी है फड़। पिछवैया क्या है, मंदिरों में है ना, मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि मतलब पीछे की साइड में सज्जाए तो बड़े आकार के पर्दों पर है ना, बड़े आकार के पर्दों है ना। ये पर्दे किसके हैं, ये कपड़ों के हैं, है ना। कपड़े के पर्दों पर किया गया चित्रण पिछवैया कहलाती है, ठीक है। मंदिरों में, खुले में नहीं है, मंदिरों में, ठीक है। देवी देवताओं की मूर्तियों के पृष्ठभूमि मतलब पीछे कपड़ों पर, ठीक है ना, चित्रांकन किया गया वो क्या है, पिछवैया। तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वर्ड, एक तो मंदिर में, दूसरी देवी देवताओं की, ठीक है, संतों की नहीं है ये, देवी देवताओं की है, मतलब जैसे कृष्ण जी की खासतौर पर, तो मंदिरों में देवी देवताओं की, और तीसरा पहली चीज तो मंदिरों में, दूसरी चीज देवी देवताओं की, तीसरी चीज पीछे की साइड में, इसलिए नाम पड़ा है पिछवैया, पीछे मूर्ति के पीछे पृष्ठभूमि में। जैसे मान लो मैं मूर्ति हो गया, पीछे जैसे आप ये देख रहे हो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये पिछवैया चित्रकला के रूप के अंदर, और ये जो व्हाइट कलर जो बोर्ड नजर आ रहा है आपको, ये अपने कपड़ा हो गया। तो ऐसे ये पृष्ठभूमि मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति की पृष्ठभूमि में, ठीक है ना, कपड़े पर, चौथी चीज है कपड़े पर जो चित्रांकन किया जाता है वो पिछवैया कहलाती है। तो चार चीज इसमें अंदर इंपॉर्टेंट है, एक मंदिर, दो देवी देवता, तीन पृष्ठभूमि, और चार बड़े आकार के कपड़ों के पर्दों पर किया गया चित्रण, है ना, चित्रण कपड़ों पर चित्रण, पांच चित्रण जो है ये पिछवैया। तो पिछवैया में पांच चीजें इंपॉर्टेंट है, मंदिर, देवी देवताएं, पृष्ठभूमि, कपड़े के बड़े पर्दे और चित्रांकन पांच। तो पैसे पिछवाई पैसे पांच चीजें याद है ना। ये मिसले बता रहा हूं क्योंकि क्या होता है, जैसे अपन मेंस में जैसे देखते हैं तो पिछवैया फड़ बच्चों को याद होती है अच्छी तरह से, लेकिन जब ये आ जाए कि पिछवैया और फड़ के अंदर तीन या चार भेद लिखो, डिफरेंस लिखो, तब बहुत ज्यादा सोचना पड़ जाता है, है ना। तो इनको आप ऐसे परिभाषा याद रहेगी तभी डिफरेंस निकाल पाओगे। तो पिछवैया समझ गए, मंदिर, देवी देवी देवताओं, मूर्ति की पृष्ठभूमि, तीन है ना, चौथी चीज पर्दा, पांचवी चीज चित्रांकन, ठीक है। नाद्वारा की पिछवैया विशेष रूप से प्रसिद्ध है, नाद्वारा कृष्ण जी, ठीक है ना, वल्लभ संप्रदाय। नाद्वारा की पिछवैया क्या है, कृष्ण की प्रतिमा के पीछे है ना, कपड़े के पर्दे पर कृष्ण की कृष्ण लीला है ना, रासलीला नहीं लिखा हुआ है, कृष्ण लीला, कृष्ण की सारी लीलाएं हैं, बचपन की, ठीक है, वयस्क काल की, रासलीला, सारी लीला, तो कृष्ण लीला वर्ड लिखना है, कृष्ण लीला का चित्रण। कलाकार जो है मेन जो है नरोत्तम लाल शर्मा, पूछते हैं नरोत्तम लाल शर्मा का संबंध किस हस्तकला से है, तो वो कौन सी, अपने पिछवैया चित्रण नाथ द्वारा के जांगिड़ व गौड़ ब्राह्मण के, गौड़ ब्राह्मण जाति के परिवार करते हैं, कौन से, अपने जांगिड़ व गौड़ ब्राह्मण, ठीक है। जैसे अपन ने देखा नामदेव छिपे सांगानेर, खत्री अपने अजरक और मिलर प्रिंटर है ना, खत्री, ऐसे चावड़ देखा था अपन ने, चावड़ जाति है कि नहीं, मंदेशकारी जब देखा, समझ गए। तो ऐसे पिछवाई का काम करने वाले कौन है, अपने गौड़ ब्राह्मण और जांगिड़, गौड़ ब्राह्मण जैसे अपन ने देखा नरोत्तम लाल शर्मा, ऐसे। ओके, तो ये थी अपने पिछवाई, मंदिर, देवी देवता, तीसरी चीज पृष्ठभूमि, चौथी चीज कपड़ा, पांचवी चीज चित्रांकन, और फेमस है अपने नाथ द्वारा पिछवाई, वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने पिछवाई। ओके, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं फड़ चित्रांकन क्या है। फड़ चित्रांकन सबसे पहले तो फेमस कहां का, अपने शाहपुरा भीलवाड़ा का, ठीक है ना। और फिर दूसरी चीज क्या है, ये चित्रांकन होता है ये भी कपड़े पे ही होता है, ठीक है ना। और इसका जो संबंध है वो देवी देवताओं से ही इसका है, मतलब जो अपन लोक देवता जो देखते हैं उनसे इसका संबंध है, ठीक है ना। लोक देवता है जैसे खासतौर पर अपन देखेंगे फड़ाती देव नारायण जी की, बाबू जी की, रामदेव जी की, ऐसे, ठीक है। तो लोक देवताओं का जो चित्रांकन होता है उनके जीवन का कपड़े के ऊपर, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, फड़। ओके, तो अब अपन एक एक चीज के फैक्ट्स के रूप में देखते हैं। स्थान कहां का फेमस है, शाहपुरा भीलवाड़ा। कपड़ा कौन सा होता है, रेजी या खादी का, रेजी या खादी। देखो खादी के अंदर थोड़ा सा अगर अपन और फाइन क्वालिटी का जैसे सूत और मिला दें, थोड़ा मलमल मिला दें, तो बन जाता है रेजी। रेगजीन नहीं है, रेजी है। ये कपड़ों पर पर्दे पर लोक देवताओं के जीवन है ना, कपड़े के पर्दों पर लोक देवताओं का चित्रण, लोक देवता, ठीक है। जैसे इसमें अपन
जो पहरा गोमा लिखा है वो लिख लो, पहरा गोमा, बाबू जी, अड़बू जी, रामदेव जी, गुगा जी और मैया जी मांग लिया, ठीक है। उसके अलावा भी जैसे देवनारायण जी के अपन देखते हैं, मेन इंपॉर्टेंट वो। निर्माता कौन होते हैं? जोशी परिवार के छिपे, है ना, जोशी परिवार के छिपे करते, जैसे नामदेवी छिपे अपन ने देखे, सांगनेर पिंट, उसी तरह से जोशी परिवार के छिपे शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। चित्रकार कौन होते हैं? जो भाई इसमें दो चीजें देखो, पहले तो क्या है अपने कपड़े का, और कपड़े के ऊपर फिर चित्रांकन, ठीक है ना, ऐसे तो कपड़े का निर्माण जोशी परिवार, और जैसे ठीक है ना, और चित्रांकन भी जोशी परिवार, और जो चित्रकार जो होता है विपर तो कपड़ा बनेगा, कपड़े के ऊपर क्या होगा चित्रकार होगा, चित्रकारी करनी है, ठीक है। तो ये चित्रकारी करने वाला जो होता है उसको मेल होगा तो चित्रा बोलेंगे, फीमेल होगा तो चितेरी बोलेंगे, और ये चितेरे और चितेरी किस परिवार से बिलोंग करते हैं? जोशी परिवार से। मेन इंपॉर्टेंट नाम अपन ने क्या देखा यहाँ पे, अभी तो आएगा श्रीलाल जोशी, नीचे आएगा यह श्रीलाल जोशी, पिछवैया के अंदर अपन देखा नरोत्तम लाल शर्मा, ठीक है ना। चितेरा चितेरी, चितेरा पुरुष, चितेरी महिला, श्रीलाल जोशी पद्मश्री 2006 में मिला है, और इनके परिवार संबंधित शांतिलाल जोशी और दुर्गालाल जोशी, है ना, श्री शांति और दुर्गालाल जोशी, ठीक है। तो जोशी परिवार का संबंध किससे है? अपने फट चित्रांकन। नरोत्तमलाल शर्मा का संबंध है किससे? पिछवइयों से, याद रखना अलग अलग। फिर पार्वती जोशी, भारत की प्रथम महिला चितेरी, फीमेल, है ना, पी से प्रथम और पी से पार्वती, शिव पार्वती नहीं पार्वती, तो जैसे शिव से यहाँ शांतिलाल है ना, और पार्वती इधर पार्वती जोशी। फिर है गोतली, ये कौन है? विश्व प्रसिद्ध चितेरी गोतली, जिन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्रदान की है फट चित्रांकन को, जोशी परिवार से संबंधित है। तो तीन नाम देखे, श्रीलाल जोशी 2006 में पद्मभूषण, पद्मश्री है ना, पद्म पुरस्कार बीबीएस मैंने बताया था, विविध भारती सर्विसेज, विभूषण, भूषण और श्री, तो पद्मश्री मिला श्रीलाल जोशी को। पार्वती जोशी भारत की पहली महिला चितेरी, गोतली जोशी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चितेरी, ठीक है, पीजी आ गया, पी से पार्वती, जी से अपने गोतली, ठीक है गोतली। फिर चित्रों में आकृति जो अपन को मिलती है क्या है? मोटी और गोल आंखें, है ना, मोटी और गोल, मतलब चित्रों में आकृति मोटी और गोल आंखें, है ना, मोटी और गोल आंखें, यूं है कोमा गलत है, मोटी और गोल आंखें, ठीक है ना, मोटी और गोल आंखें, मतलब ये यूं है, मोटी और गोल बड़ी बड़ी आंखें, ना आंखें बड़ी, यहां लगाना ये, मोटी और गोल बड़ी बड़ी आंखें, ठीक है, जैसे अपन ने चित्रकला में भी देखा था नाक छोटी व मोटी, ठीक है, ये विशेषता है किसके अपने जिनमें चित्रांकन होता है उसका, मोटी और गोल बड़ी बड़ी आंखें, मोटी और गोल और नाक छोटी व मोटी, ठीक है, चित्रांकन में आकृति। रंग किस जिस तरह का प्रयोग होता है? हरा व लाल, ठीक है ना, हरा व लाल, देखो क्या होता है, नायक की वेशभूषा तो लाल रंग में होती है और खलनायक की हरे रंग में होती है, ठीक है ना, नायक और खलनायक, नायक और खलनायक कैसे, जैसे मान लो बाबू जी की है, तो बाबू जी में जैसे अपने तो नायक देखे तो नायक तो हो जाएंगे लाल में, और खलनायक हो जाएंगे हरे में, जैसे जिंदराव खींची है कि नहीं है? ऐसे तो ये नायक लाल के अंदर, नायक लाल में, ठीक है, और खलनायक अपने हरे के अंदर, ठीक है, तो लाल और हरा रंग इसलिए इसके अंदर रखा गया, समझ गए, लाल और हरा, तो लाल तो हो जाएगा नायक और हरा हो जाएगा एक तरह से खलनायक, ठीक है, इसको लाल और हरा कर देना है ना, हरा और लाल मतलब को पहले लाल लिख दो और फिर हरा लिख दो, लाल तो हो जाएगा नायक और हरा हो जाएगा खलनायक, ठीक है। फिर वाचक जो होता है वो कौन होता है? भोपा होता है। वाचन कब किया जाता है? रात्रि में वाचन किया जाता है, ठीक है, और वाचन के दौरान क्या है, जैसे जैसे जहां जहां वो भोपा उसको पढ़ रहा है वहां वहां साथ में जो उसकी भोपिन होती है वो हाथ में लकड़ी पे लालटेन लिए रहती है और वो भोपे को वो रोशनी दिखाती रहती है और भोपा फिर वो पढ़ता रहता है और महिला लालटेन दिखाती रहती है और टेक भरती है, टेक मतलब हुंकार, हाँ हाँ, है ना, ऐसे जैसे एक राजा था, हाँ, उसकी दो रानियां थी, हाँ, वो टेक देना और फिर नृत्य भी करती, तो भोपिन तीन काम करती है, एक तो लालटेन से रोशनी दिखाना, दूसरा टेक भरना और तीसरा नृत्य, और भोपा वाचन करता रहता है और यंत्र भी बजाता रहता है, जैसे देवनारायण जी की फड़का वाचन है तो जंतर यंत्र, रामदेव जी की फड़का वाचन है तो अपने क्या रावण होता है वो भोपा बजाता रहता, उसके साथ ही बजाता रहता, ठीक है। तो वाचक होता है भोपा, वाचन रात्रि में क्या जाता है? खुली जगह या चौपाल में, रात्रि में खुली जगह चौपाल में, जैसे पिछवइयों में तो अपन ने क्या देखा, मंदिर में मूर्ति के पीछे, और पिछवइयों का कोई अपन ने वाचन नहीं होता जबकि फड़का वाचन होता है, यही डिफरेंस मेन में। वाचन के दौरान भोपिन हाथ में डंडे पर लटकता दीपक लेकर फड़ के साथ गाथा बोल को दोहराती हुई टेक देते हुए नृत्य करती है, तीन काम हो गए, नृत्य हो गई, टेक देना और अपने दीपक लिए फड़ का रोशनी करना। वाद्य यंत्र कौन से हैं? ढोल, है ना, ढोल मतलब ढोलक, ढोल मजीरा, अलगोजा, थाली, चिंपिया,
है ना, चिमटा जो था चिंपिया, और जंतर और रावण था, खास तो जंतर और रावण था, जंतर इज देवनारायण जी और रावण था इज अपने राम जी। वाचन कब नहीं होता, चातुर्मास जो होते हैं, देव शयनी देवस हो गए और देव उठने के बीच के जो 4 महीने होते हैं इनमें वाचन नहीं होता। फड़ को ठंडी करना, कि जब फड़ जीर्ण हो जाने पर, मतलब कई बार उसका वाचन हो गया रात के अंदर, है ना, रात में हुआ वाचन खुली जगह, कई बार उसको वाचन के बाद जब बंद करके रखते हैं फिर खोलते हैं तो क्रीज पड़ने से वो खराब हो जाती है, जीर्ण होगी तो उसको पुष्कर सरोवर में ले जाके विसर्जित कर देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फड़ को ठंडी करना। और इस समय भोपे समाज में स्वामिनी का भी आयोजन किया जाता है कि भाई इतने दिन तो हमारे साथ रहे, है ना, हमको इतनी प्रसिद्धि दिलाई, तो इस खुशी के अंदर अपन क्या स्वामिनी का आयोजन करते हैं। स्वामण का जब अपन ने भोग लगाया, मतलब प्रसादी करी, स्वामण की भोग लगाया, तो उसको हम बोलते हैं स्वामिनी, है ना। तो फड़ के जीर्ण शीर्ण हो जाना, पुष्कर सरोवर में प्रावित करना, इस अवसर पर भोपे समाज में स्वामिनी का आयोजन करते हैं। प्रसिद्ध फड़े किसकी है, पैरागोमा याद रखो, बाबूजी हड़बूजी रामदेव जी गुगा जी, ठीक है ना। उसके अलावा फिर देवनारायण जी, देवनारायण जी की फट सबसे लंबी व सबसे छोटी, और बाबू जी की फट सबसे प्राचीन है। फिर देवनारायण जी, तेजा जी की भैंसासुर, है ना, डूंगर जी, जमार जी अपने शेखावटी के, फिर रामदला आदि की फड़े हैं, ये महत्वपूर्ण फड़े हैं, ठीक है। फिर फड़ों में अपन क्या देखते हैं, सर्वाधिक प्राचीन जो फड़ है, पैसे प्राचीन, पैसे बाबू जी प्राचीन व लोकप्रिय, भी प्राचीन इतने लंबे समय से चली आ रही है ना, तब तो लोकप्रिय तो अपने आप गेन करेगी, प्राचीन है तभी लोकप्रिय, या लोकप्रिय तभी प्राचीन है, दोनों चीजें, ठीक है। बाबू जी की फड़ सबसे प्राचीन, सबसे लंबी और छोटी एक ही है देवनारायण जी, देखो लंबी में अपने अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं, तो लंबी, और फिर छोटी सिर्फ देव देव गिन लो, 2x2 की, दो अक्षर आ रहे हैं नहीं देव में ऐसे, तो लंबी भी देवनारायण जी छोटी, सर अभी दोनों कैसे हो जाएंगे, तो विपरीत चीजें भाई, लंबी में तो यूं अपन देखें सबसे ज्यादा चित्र इसके अंदर है कि नहीं, सबसे ज्यादा व्याख्यान इसके अंदर तो लंबी हो गई, और छोटी कैसे, इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है ना, ये सबसे पहले ऐसी फट थी जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ देवनारायण जी की, ठीक है ऐसे, ठीक। जैसे डाक टिकट कब जारी हुआ, देवनारायण जयंती 2 सितंबर 1992 में, भाई दो तो ये आ गया, देव दो आ रहा है, 2x2, ठीक है, और 9वां महीना सितंबर, तो 1992 हो गया, और टिकट कितने की, 5 रुपए की, ठीक है, भारत सरकार जारी करती है, भारत सरकार पोस्टर बता दें, संघ सूची का विषय, ठीक है। तो सबसे लंबी और सबसे छोटी एक ही देवनारायण जी, तो लंबी और छोटी में विरोधाभास समझ में, डाक टिकट जारी होने के कारण इसको अपन ने छोटी बोलते, 2x2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर की, समझ गए। तो ये चीजें थी अपने फड़ के, अपन ने जैसे देखी, फिर देखो एक क्या बेसिक डिफरेंस अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ। अब जैसे पिछवाइयों और फड़ में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो एक तो पिछवाइयों मैंने बताया था क्या, मंदिर में मूर्ति के पीछे, और जबकि ये क्या है, खुले में जैसे चौपाल, ठीक है, ये हो गया। इससे पहले भी जैसे एक डिफरेंस और आप यहाँ लिख सकते हो क्या, स्थान की, ये तो नाथद्वारा के फेमस है, और फट चित्रांकन अपने शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है ना, ये सबसे पहला डिफरेंस बना लो, एक तो शाहपुरा भीलवाड़ा, पिछवाइया इज नाथद्वारा और फड़ इज भीलवाड़ा, अपने भाई नाथद्वारा राजसमंद भीलवाड़ा, भाई पिछवाइया तो नाथद्वारा राजसमंद, और फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा, ऐसे है ना, नाथद्वारा स्लैश करके राजसमंद और शाहपुरा स्लैश करके, पहला डिफरेंस तो ये होगा। दूसरा ये हो गया पिछवाइयों का चित्रांकन मंदिर में पृष्ठभूमि के रूप में, मूर्ति की पृष्ठभूमि, और ये इसका वाचन होता है कहाँ, खुले में, ठीक है, चौपाल पर। फिर पिछवाइयों का कोई वाचन नहीं होता है, वो सिर्फ चित्रांकन के रूप में, और जबकि फड़ का वाचन होता है, ठीक है। पिछवाइयों का संबंध मेन रूप से कृष्ण जी का है पिछवाइयों का, और जबकि यहाँ पे लोक देवताओं का है, जैसे पैरागोमा पाली से बाबूजी हड़बूजी रामदेव जी गुगा जी, देन देवनारायण जी है, तेजा जी ऐसे, भैंसासुर डूंगर जी, जुआर जी, ठीक है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज की दृष्टि से, ये कॉन्सेप्ट के रूप के अंदर, ओके। ये था तो पिछवाइया और फड़ का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। अब अपन कुछ जो वेल नोन जो फड़े हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं देवनारायण जी की फड़, इसको डीपीआर के रूप में याद रखो, देवनारायण जी की डीपीआर। देवनारायण जी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये क्या है, सबसे लंबी और सबसे छोटी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, सबसे लंबी, लंबी और बड़ी समझ गए, लंबी यूं, बड़ी यूं आकार में, ठीक है, और सर्वाधिक चित्रांकन, सबसे ज्यादा चित्र इसमें, भाई चित्र ज्यादा होने के कारण ही तो ये लंबी हुई है, ऐसा थोड़ी ना कि चित्र सिर्फ इतनी जगह और बाकी जगह खाली छोड़ दो, ऐसा नहीं है ना, सर्वाधिक चित्रण इसके अंदर, इसीलिए लंबी और बड़ी होगी, लंबी यूं और लंबाई में और बड़ी यूं चौड़ाई में। जैसे अपन बोलते हैं ना कि भारत का सबसे ऊंचा डैम अपने ऊंचा यूं टिहरी बांध, और बोलते हैं सबसे बड़ा डैम यूं बड़ा यूं ऐसे, तो वो हीराकुंड अपने उड़ीसा के अंदर,
अग्नि ऐसे, तो ऐसे तो हो गया क्या हीराकुंड, और ऐसे ऊंचाई में हो गया क्या टिहरी बांध, ठीक है ऐसे ध्यान हीराकुंड अपने उड़ीसा महानदी पे। ठीक है, तो सबसे लंबी बड़ी और सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ कौन सी हो गई अपने, तो यहाँ पे लंबी और बड़ी से इसमें दोनों चीजें हैं भाई, लंबी यू हो गई और बड़ी यू है, ठीक है ना, सबसे छोटी भी यही होगी क्योंकि इसमें डाक टिकट जारी है, डाक टिकट राजस्थान की एकमात्र फड़ जिसमें दो डाक टिकट जारी हुआ, कब हुआ 2 सितंबर 1992 को, कब 5 रुपए का, कितने का 5 रुपए का। चित्र में क्या आया था, फड़ में सर्प का चित्र होता था, देवनारायण जी की घोड़ी लीलागर, नीलगरी तेजाजी लीलागरी देवनारायण जी घोड़ी का चित्रांकन हरे रंग से होता, ठीक है ना, ये एक मिनट है ना, इसके अंदर ये हरा रंग, हरा रंग तो ये अपने खलनायक का है, एक सेकंड रुको इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, बिल्कुल ये है ना हरा रंग ही है, लीलगर को हरे रंग में, ठीक है ना, जैसे भाई खलनायक दिखाया गया हरे रंग में और घोड़ी का भी रंग हरा है ऐसा, लेकिन यू नहीं कर देना कि खलनायक भाई ये क्या जिंदराव किसी की भी नजर इसी पे ही, और पापू जी भी इसको रखना चाहते थे, और अपने घोड़ी का नाम क्या क्या देखा था अपने, घोड़ी का नाम भी ऊपर आया था देखा अपन ने, ये देखो एक भाई घोड़ी का नाम देखो, ये यही बता रहा था मैं, ये देवनारायण जी का तो लीलागर और पाबू जी की केसर काल में, जिंदराव खिंची है केसर काल है ना, तो एक बार जिंदराव खिंची में केसर काल में बता रहा था। तो देखो क्या है, जैसे जो अपने लाल रंग मैंने बताया पहले, अपने पढ़ा था कि लाल और हरा रंग, लाल रंग तो होगा किसका हीरो का और हरा रंग खलनायक का, तो जनरलाइज्ड है, ठीक है ना, यहाँ अपन विशेष में है, विशेष में कैसे अपन अभी देख रहे हैं देवनारायण जी और पाबू जी, ठीक है, तो इनमें अलग अलग अपने को वेरिएशन मिलते हैं, बाकी जो अपन ने लाल और हरा देखा वो तो जनरलाइज रूप के अंदर है, पर्टिकुलर विशेष के अंदर अपन को वेरिएशन देखने में मिल सकते हैं, ठीक है। तो देवनारायण जी की फट सबसे लंबी बड़ी और सर्वाधिक चित्रण, सबसे छोटी भी यही है, टिकट 1992 में है ना, 2 सितंबर 1992 को अपने देवनारायण जयंती पे, फट में सर्प का चित्र था, देवनारायण जी का जो घोड़ी है कौन सी जिसका नाम है लीलागर, देवनारायण जी की लीला लीलागर, वाचक कौन होते हैं जैसे अपने देखे थे वाचक भोपे होते हैं, भोपे कौन है ये बगड़ावत गुजर जाति के अविवाहित भोपो द्वारा इसका वाचन किया जाता है ना, अविवाहित होता है पढ़ने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बगड़ावत है ना, क्योंकि जैसे देवनारायण जी और के जैसे खुद भी और अपने स्वयं भोज जो उनके पिता वो किस जाति से, वो बगड़ावत गुजर जाति, तो भोजे भोपे भी उसी जाति के होते हैं, ठीक है ना, और घोड़ी जो लीलागर है देवनारायण जी वो हरे रंग के अंदर दर्शाई गई है, वाचक बगड़ावत गुजर जाति के अविवाहित, और वाद्यंत्र सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाद्यंत्र का ये जंतर जिसमें अपन को यहाँ दो अपन को क्या ये तत्वाद्यंत्र है तार से, और ये दो ऐसे अपन को मिट्टी के अपन को मटके इसमें लगे रहते हैं, ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके देवनारायण जी में तो वो सबसे लंबी और छोटी, ठीक है ना, दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वाद्यंत्र बहुत पुष्ट है जंतर, ठीक है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो किस जाति के भोपो द्वारा इसका वाचन किया जाता है, बगड़ावत जाति के भोपो, ठीक है, तो ये तो सबसे पहले थे अपने देवनारायण जी, इसको पहले इसलिए लिए कि लिया क्योंकि सबसे लंबी और अपने छोटी और लंबी दोनों है सर्वाधिक चित्रांकन। फिर अपन दूसरे नंबर पे लेते हैं पाबू जी की फट, पैसे पाबू जी पैसे प्राचीन प्राचीन है तभी लोकप्रिय है, ठीक है, पाबू जी की फट, तो पाबू जी अपन ने पंचपीठ जो पढ़े थे उसके अंदर भी आया था पैरागोमा, ठीक है, सबसे प्राचीन व सर्वाधिक लोकप्रिय फट, आयर नायक या भील जाति के भोपों के द्वारा है ना, आयर नायक या तो अपने नायक पढ़े भी थे इनके जो भक्त वो है ना, आयर नायक या भील जाति के भोपों के द्वारा, चित्र क्या है मुख के सामने भाले का चित्र होता है और पाबू जी की घोड़ी केसर काल में वो काले रंग में, कैसे केसर कैसे केसर काल में कैसे काला है ना, और जिंदराव खिंची इसी का दुश्मन था जे आर के जी लगते थे बताए था, और किस वाद्यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है, रावण हत्या के साथ, ये रावण हत्या रहा, ठीक है, ये भी तत्ती है, और फिर ये घोड़े के बाल से बनी गज से इसके ऊपर मोशन फ्रिक्शन पैदा किया जाता है तो म्यूजिक उससे पैदा, ठीक है, तो वाद्यंत्र ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, देवनारायण जी जंतर देवनारायण, ठीक है, दो शब्द आ रहे हैं ना देवनारायण, ठीक है, देव और नारायण जी, तो ये दो जंतर हो गए ना, मतलब जंतर में ये दो ऐसे मिट्टी के मटके हो गए, देव एक एक देव का एक देवनारायण जी ऐसे याद रखना पड़ो, और रावण हत्या अपने पापू जी रामदेव जी में भी रावण हत्या ही है, ठीक है, पापू जी की फट होगी, रामदेव जी की फट में क्या सर्वाधिक चित्रांकन करने वाला है ना, मतलब सर्वप्रथम सर्वप्रथम चित्रांकन करने वाला चित्रा कौन था, चोतमल चित्रा, जिसने रामदेव जी की फट सबसे पहले बनाई थी चोतमल चित्रा, कामड़ जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है, जैसे अपन ने देखा कि देवनारायण जी की फट की
कौन वाचन करता अपने बगड़ावत पूजा, ठीक है, सॉरी हाँ देवनारायण जी की बगड़ावत पूजा, और पापू जी का चित्रांग पापू जी के बोप का वाचन कौन करता है अपने आयर या आयर नायक या भील जाति के बोप, और रामदेव जी की फड़का वाचन कामर जाति के बोपो था, वाद्यंत्र रावण था वही जो पापू जी के साथ भी, ठीक है ऐसे है। फिर नेक्स्ट अपन फड़ देखते हैं कृष्ण दला राम दला, है ना, दो है कृष्ण दला और राम दला की फड़, हाड़ौती क्षेत्र में लोकप्रिय है ये, पूछते हैं ये कई बार क्वेश्चन क्योंकि अलग से है ना, तो कृष्ण दला और राम दला की फड़ हाड़ौती क्षेत्र में, चित्र क्या है कृष्ण जी के जीवन की प्रमुख घटनाओं का, कृष्ण आ रहा है ना इसलिए, ठीक है ना, भोपे जाट जाति के होते हैं, वाचन दिन में होता है, अमूमन वैसे रात में होता है लेकिन ये एक अपवाद है, दिन में वाचन होने वाली कृष्ण दला और राम दला की फड़, वाद्यंत्र कौन सा, बिना वाद्यंत्र के कोई वाद्यंत्र इसके अंदर प्रयोग में नहीं लिया जाता, तो अपवाद हुआ नहीं, हाड़ौती में है दिन में है हर तरह से अपवाद है, हाड़ौती थोड़ा अलग हो गया, दिन थोड़ा अलग हो गया, वाद्यंत्र कोई है ही नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है अपने कृष्ण दला राम दला की, है ना ऐसे। बाकी अपन ने देखा कि भाई वाचन यंत्रों के साथ होता है, जैसे देवनारायण जी जंतर, रावण था अपने बाबू जी और रामदेव जी, सर्वप्रथम चित्रांकन किया था किसने, धूल जी भाई ने, जैसे चौथमल चित्राने सबसे पहले चित्रांकन किसका किया था, रामदेव जी की पड़ का। फिर नेक्स्ट देखते हैं कृष्ण लीला, अभी जो देखी वो तो कृष्ण दला और राम दला थे, अब कृष्ण लीला रंग कैसा है, श्वेत श्याम है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, चितेरा कल्याणमल जो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में भेंट की गई थी, तो यूं चर्चा में है, ठीक है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्या अपने कृष्ण लीला। फिर बैसासुर की फड़ है, ठीक है ना, जिसका इसका वाचन नहीं होता है और ये बावरिया जाति के द्वारा इसका पूजन किया जाता है, किसका, बैसासुर का, इष्ट देवता के रूप में, और वाचन नहीं होता है, और बिना वाद्यंत्र के वाचन होने वाली कौन सी फड़ है अपने, कौन जिसका दिन में वाचन होता है, कृष्ण दला राम दला हाड़ौती। अमिताभ बच्चन की फट चितेरा विजयलाल जोशी वाचक रामलाल भोपावा पतासी भोपी को इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बताया कि जैसे भाई पिछवियों के रूप में वर्णन नहीं, फड़ के रूप में वर्णन हो सकता है, जैसे अपने देखा अपने अमिताभ बच्चन की फट, और फिर लेटेस्ट में जैसे कोरोना की फट भी बना दी है ना, कोरोना की फट नवीनतम फट है चितेरा कल्याणमल जोशी है, तो वो जोशी परिवार के छिपे तो आ ही रहे हैं ना अपने छापरा भीलवाड़ा, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार, ठीक है ना, रामलाल भोपा और पतासी भोपी वाचक, और चितेरा जो है ममता बच्चन की फट का वो भी विजय जोशी है, तो जोशी तो आ ही रहा है ना अपने जोशी छिपे, ठीक है अपने छापरा भीलवाड़ा, है ना, तो कोरोना कैसे, कोरोना कैसे कल्याणमल जोशी, अमिताभ बच्चन विजय जोशी, इंस्पेक्टर विजय है कि नहीं, समझ गए। तो ये अपन ने मेन मेन फड़ के अंदर देखा, तो फड़ से अपन ने चीजें देखी, तो मेन मेन तो किसकी आई अपने, अपने देखा ही सबसे पहले देवनारायण जी, देन पाबू जी, देन रामदेव जी, देन अपने कृष्ण दला राम भैंसासुर, मतलब कृष्ण दला राम दला भैंसासुर कृष्ण लीला कोरोना अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन कोरोना, ठीक है ना ऐसे हैं। तो अब अपन ने बेसिक बेसिक चीजें जान ही ली इस फाइल में जो पड़ी, पिछवइयों का संबंध मंदिर में मूर्ति के पीछे, ठीक है ना, कपड़े के पर्दे पर जो है वो चित्रांकन जो है वो पिछवइया, पांच चीजें मंदिर पिछवे में, पांच चीजें पैसे पिछवे पैसे, पांच चीजें मंदिर बैकग्राउंड में मूर्ति के बैकग्राउंड में, दो तीसरा क्या अपने तीसरा कपड़े पर, ठीक है ना, और देखो पहला तो मंदिर में, दूसरा पृष्ठभूमि में, ठीक है, तीसरा कपड़े पर, चौथा है अपने चित्रांकन, एक भूल गए क्या, पहला मंदिरों में दूसरा देवी देवताओं का, पहला मंदिरों में दूसरा देवी देवता, तीसरा कपड़े पर, चौथा पीछे, और पांचवा चित्रांकन मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति के पीछे, ठीक है ना, ये मंदिर एक, पांच चीजें मंदिर एक, देवी देवता दो, पृष्ठभूमि तीन, कपड़े के बड़े पर्दे चार, और चित्रांकन पांच, मंदिर एक देवी देवता दो, ठीक है, पृष्ठभूमि तीन, मंदिर एक देवी देवता दो, पृष्ठभूमि तीन, कपड़ा चार, और चित्रांकन पांच, नाथ द्वारा अपन ने देख लिया नरोत्तम लाल शर्मा, नैसे नाथ द्वारा नैते नरोत्तम लाल शर्मा, फड़ में अपन ने क्या देखा, स्थान छापुरा भीलवाड़ा, कपड़ा रेजी या खादी, निर्माता निर्माता कौन, जोशी परिवार, ठीक है छापुरा भीलवाड़ा, चित्रकार चितेरा पुरुष चितेरी महिला, श्रीलाल जोशी दो पद्मश्री मिला 2006 में, पार्वती जोशी प्रथम भारतीय चितेरी है, गोतमी गोतमी गोतली 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 है ना, गोदलिया गोतली ऐसे, विश्व प्रसिद्ध चितेरी, चित्रों में रंग में कैसा, मोटी और गोल आंखें, मोटी और गोल बड़ी बड़ी आंखें ना, ऐसे करेक्शन कर लेना इसमें, रंग जैसे अपन ने देखा रंग में यू करना है, लाल और हरा, लाल है नायक, हरा है खलनायक, ओवरऑल रूप में,
वाचक भोपे होते हैं, वाचन रात में होता है, खुले में होता है, भोपिन सहयोग करती है दीपक लेके और टेर देके और नृत्य के रूप में। वाद्यंत्र खास तौर पे तो रावण था और अपने जंतर, उसके अलावा भी ढोल मजीरा, ठीक है, अलगोजा, थाली और चींपिया। वाचन नहीं अपने चतुर्मास में देव सैनी से देवउठनी तक प्रसिद्ध फड़े मतलब फट ठंडी करना, जिनछिन होने पर पुष्कर सरोवर विसर्जन, स्वामी का भी आयोजन इस उपलक्ष में। प्रसिद्ध फड़े अपने देख लिए, देवनारायण जी, बाबू जी, अपने रामदेव जी, तो पैरागोमा के साथ जोड़ दो देवनारायण जी, तेजा जी, बैसासुर, दुंगा जी, जुआर जी, कृष्ण दला, राम दला, कृष्ण लीला। सर्वाधिक प्राचीन इस बाबू जी, प्राचीन व लोकप्रिय, सर्वाधिक लंबी व छोटी देवनारायण जी, ठीक है। डिफरेंस पिछवैया, नाथद्वारा, राजसमंद, फड़, छापरा, भीलवाड़ा। दूसरा, ये मंदिरों में पृष्ठभूमि होती है और ये खुले के अंदर चौपाल पर पिछवियों का वाचन नहीं होता, इसका वाचन होता है, ठीक है ना। पिछवियों का संबंध मेन रूप से कृष्ण जी से और उनका लोक देवताओं से है। फड़ का, देवनारायण जी की फड़ सर्वाधिक लंबी, बड़ी, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फट, सबसे छोटी भी यही, डाक टिकट 2 सितंबर 1992 5 रुपए। वाचक बगड़ावत गुजर जाति के अवैध भूपे द्वारा वाद्यंत्र जनता। बाबू जी की फड़ के बारे में क्या, सर्वाधिक प्राचीन व लोकप्रिय फड़। आयड़ व नायड, आयड़ नायक व भील जाति के भूपो द्वारा चित्र के समूह भोपाल का चित्र, भाले का चित्र और बाबू जी घोड़ी केसर काल में का चित्र, वाद्यंत्र रावण था। रामदेव जी की फड़ सर्वप्रथम चित्र करने वाला चौथमल चितेरा। कामड़ जाति के भूपो द्वारा वाचन वाद्यंत्र रावण था। कृष्ण दला, राम दला की फड़ वाचन जिस क्षेत्र में होता है अपने आड़ोती के अंदर, दिन में वाचन, वाद्यंत्र कोई नहीं होता, ठीक है ना, बिना वाद्यंत्र के। सर्वप्रथम चित्रांकन धूल जी भाई भोपे जाट जाति के। कृष्ण लीला की फड़ रंग श्वेत शाम, चित्रा कल्याणमल जोशी, प्रधानमंत्री 2014 में। वैसासुर की फड़ इसका वाचन नहीं होता, ठीक है ना, और बिना वाद्यंत्र के वाचन होने वाली फड़ अपने कौन सी, ऊपर देखी अपने कौन सी, कृष्ण दला, राम दला। वैसासुर की, वैसासुर का फड़ का वाचन नहीं और बावरे जाति में पूजनीय है वैसासुर। अमिताभ बच्चन की फड़ विजय जोशी, वाचक रामलाल भोपा, पता चाहिए तो उसमें अमिताभ बच्चन की पूरी जीवनी जैसे बताएगी, ऐसे ऐसे चोट लगी फिर वापस आए, यूं आज आज विश्वनायक है। कोरोना की फल कल्याणमल जोशी, नवीनतम फड़ है ना। तो ऐसे अपन ने ये देखा कपड़े पर चित्रांकन, ठीक है, तो कपड़े पर चित्रांकन के रूप में अपन को पिछवाइयां और ये याद रखनी है, क्या, पिछवाइयां और फड़, समझ गए। तो ये ऐसे करके अपना पूरा जो टॉपिक था कि हस्तकला के अंदर अपन ने पहला सेगमेंट लिया जो कपड़े पे चित्रांकन, कपड़े, कपड़े से संबंधित, उसमें अपन ने प्रिंटिंग देखी, प्रिंटिंग सांगानेरी, बगरू, ठीक है, आजम, जाजम, देन अपने आजम जाजम और फिर अजरक, मिलर, वो सारी है ना, पिपाड़। फिर उसके अपन ने जैसे बंदेज के फिर प्रोटोटाइप देखे, चूनडी, है ना, क्या क्या देखे बंदेज के प्रोटोटाइप में, अपन ने चूनडी देखा, ठीक है, चूनडी के बाद अपन ने पीला, पोमचा, ये सब देखे। फिर कशिदाकारी देखी, जरदोजी देखी, गोटा देखा, पेंस देखा, मिरर वर्क देखा, गोटे में लापा लपी, है ना, लापा तो क्या होता है, चौड़ा गोटा जो होता है उसको लापा बोलते हैं, सकड़ा जो होता है उसको लपी बोलते हैं, है ना, लापा लपी, राकड़ी, बांकली, किरण, चंपाकली, गोखुर और अपने गोखुर, है ना, ये था। फिर मिरर वर्क देखा अपन ने, फिर उसके बाद आ गया है तो अपन ने क्या क्या देखा, नमदे देखे, नमदों से पहले अपने उसमें पढ़ा जटवर्क, जटवर्क बकरी, खाल, बाड़मेर, है ना, जसोल और बालोतरा बाड़मेर। फिर अपन ने नमदे देखा, गलीचा देखा, दरी देखी, टांकला, सालावास, टांकला नागौर, सालावास जोधपुर, देन अपने दरी के अंदर ही वो लवान दोसा, फिर दरी बिछ गई, फिर खेसला ओडा अपने लेटा गांव, जालोर, मेड़ता, नागौर। बारिश के में फिर क्या, क्या बारिश में, बाखल, है ना, टोड़िया, टोड़िया ऊंट के बच्चे की नरम मुलायम बाल के साथ अपने क्या मिलाया, सूत, बारिश के अंदर नमी रोकने के लिए, ठीक है, वो आपने, वो हो गया बाखल। फिर उसके बाद अपने देखा क्या, लुई, ऊनी कंबल, नेपासर, ठीक है, ये देखा। फिर उसके बाद अपन चित्रांकन पे आ गए, साड़ियां देखी, कोटा डोरिया, मसूरिया, टसर, मलमल, मथानिया। टसर कौन थे, 3 जिले थे, कोटा, के यू बी कोटा, उदयपुर और अपने बांसवाड़ा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपने लहरिया देखा, लहरिया के बाद अपन ने मोठड़ा देखा था, अपने काटती हुई धारियां, ठीक है, जोधपुर। उसके बाद अपन फिर किस पे आ गए, उसके बाद अपन चित्रांकन पे आ गए, कपड़े पे चित्रांकन, उसमें पिछवैया देखी और फट देखी, ऐसा, ठीक है। तो कपड़े वाला कंपेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हस्तकला के अंदर कपड़े आता और मेटल, ऐसा तो पढ़ेंगे अपन सारी, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इस सेगमेंट में अपन ऐसे ही क्रम में ले रहे हैं, तो जिस क्रम में अपन पढ़ रहे हैं उसी क्रम में आप ध्यान रखो,
जिससे कि कॉन्फिडेंस बने, ठीक है। तो ये अपना टोटल, ये कपड़े वाले के अंदर ये टोटल ये यहाँ पे लास्ट था, है ना, हस्तकला कपड़े पर 5/5, समझ गए। फिर जब अपन अपन सार्थक फैक्ट देखेंगे ना, तो सार्थक फैक्ट भी इसी क्रम में आएंगे, जैसे कपड़े पे देखेंगे, फिर धातु पे देखेंगे, ऐसे। तो जब अपन जब थ्योरी में इसको पढ़ रहे हैं, तो आप इसको आराम से तसल्ली से देखो, जिससे कि आप सार्थक फैक्ट भी अच्छे सार्थक तरीके से देख पाओ। अगर यहां जैसे स्किप करोगे, लापरवाही करोगे, तो सार्थक फैक्ट को मजा नहीं आएगा बिल्कुल, 0/0। ओके, नेक्स्ट अपन मिलते हैं धातु वाली फाइल के साथ, धातु पे, धातु संबंधी हस्तकला। ओके।